Alright, so I got everybody, it's your boy Rebel Akbar here and you can call me Rebel. ओके सो आज ये ब्लॉग बहुत ही अमेजिंग होने वाला है क्योंकि मैं आया हूँ फर्स्ट सिनेमा हॉल और तुम लोग देख सकते हो ये बहुत पुराना सिनेमा हॉल है कि आज कहा जाता है कि 1965 का ये सिनेमा हॉल है। सो अभी हम लोग इसके अंदर जाएंगे। वेल, मुझे ये भी कहा गया कि इसके अंदर 3 सांप है, काटा भी जा चुका है उन सांपों के द्वारा। सो हम लोग इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर का माहौल क्या है क्या नहीं है। वेल, अभी टाइम हो रहा है 5:30 मतलब 6 बजने में सिर्फ 25 मिनट लेट है और रफ्तार का भी टाइम हो रहा है। तो हम लोग इस ब्लॉग को जल्दी से ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। तो तुम लोग मेरे पीछे पीछे आओ और इस ब्लॉग को और एंटरटेन करते हैं। ओके, सो सबसे पहले बात आती है सिनेमा हॉल के थिएटर वाला रूम। तो थिएटर वाला रूम मुझे जहाँ तक पता चल रहा है वो यही होगा। एंड सुअर दो अंदर में बैठे, सुअर दो अंदर में लेटे हैं। बट यस, ये जो स्क्रीन वाला टाइम है, स्क्रीन वाला रूम है ना, ये है स्क्रीन वाला रूम। सामने में स्क्रीन था और ये 1965 का है, मतलब कि बहुत ज़्यादा पुराना, 70-75 साल का हो गया होगा 1965 साल। ओके, सो टाइम हो गया इसके फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर पे जाने का। तो हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर को एक्सप्लोर करते हैं। वेल, सुअर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया मेरे से। एंड यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा है, इधर भी गंदगी। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि वो है, यस वो था टिकट काउंटर। तो हम लोग चलते हैं छत पे। कदम फूल कर डालना पड़ेगा क्योंकि सांप का खतरा बना हुआ है। तो जिस तरह से रॉयल टिकट होता है, डीसी टिकट होता है, एसी टिकट होता है, उसी तरह ये परफेक्ट मतलब वो हो गया एक बॉक्स वाला टिकट आया होगा। क्योंकि यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से सीधा स्क्रीन दिखता होगा। एंड ये स्क्रीन बहुत ही बड़ा है। मेरा आवाज़ बहुत ही ज़्यादा सराउंड कर रहा है, इधर से उधर टकरा रहे। बट यस, ये फर्स्ट फ्लोर ही है एंड आई डोंट थिंक इसके ऊपर भी होगा। इसके ऊपर भी है तो हम लोग ऊपर भी चलते हैं। इसके ऊपर भी है, उससे पहले ये सब देख लो। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये सब बाथरूम के लिए यूज में होगा, ये सब कुछ बाथरूम के यूज में है। यस, ये सब बाथरूम के टॉयलेट सबके यूज में है ये सब। ये भी है इसके टूटने का क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है। जैसा कि तुम लोग ऊपर की सीलिंग से पता कर सकते हो, ये बहुत ही सच में बहुत ही ज़्यादा पुराना है। एंड आई डोंट थिंक कि यहाँ पे एसी लगती होगी, यहाँ पे पंखे वगैरह का सिस्टम है, एसी वगैरह का सिस्टम नहीं, क्योंकि इस तरह की सीलिंग में मुझे नहीं लगता कि एसी की ज़रूरत है। तो ये फुल्ली एयर कंडीशन होगा बट एसी वाला नहीं, मेनली फैन वाला। यस, इधर भी जगह है, इधर भी जगह। ये सारा कुछ इसी के अंडर आता है, इसी के अंडर नहीं, ये सारा कुछ इसी का प्रॉपर्टी है भाई, देख लो। और यहाँ पे इधर से भी आने के लिए लोग को बनाए गए सीढ़ियाँ, मतलब कि ये जो कंस्ट्रक्शन है बहुत ही तगड़ा किया गया। एक तरह से आने वाला सिस्टम नहीं, 3-4 जगह से लोग आ जा सकते। एंड एक गेट वहाँ पर भी है, उस गली में भी एक गेट नहीं है, 2-2 गेट वहाँ सामने है, 3 गेट है सामने भाई, 3 गेट सामने है। सो अभी हम लोग इसके एक और फ्लोर ऊपर चल करके देखते हैं क्या है क्या नहीं है। झाड़ू बालू सब कुछ है, तो यहाँ पे लोग जुआ आराम से खेल सकते हैं, उन्हीं का अड्डा। और ये रूम पता नहीं किस लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रिज भी दिख नहीं रहा। ये हो सकता है स्टाफ रूम हो जाए, स्टाफ रूम हो सकता है ये। ये स्टाफ रूम को करता भाई खिड़कियाँ, तो ये सब खिड़कियाँ और बाहर का सीन ये रहा। ओके सो जहाँ तक अब जाकर के जो आइडिया है मेरे अंकल के दिमाग में वो ये हो सकता है कैंटीन है, ताकि मतलब एक हाथ से आ जा सके समोसा वगैरह कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, और जो हाफ टाइम वगैरह होता है ना तो लोग यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आकर के ये मतलब यहाँ पे देख रहे हो ये छोटा छोटा बुक्स उसी का साइन है कि ये कैंटीन हो सकता है और कुछ भी नहीं। तो अभी हम लोग चलते हैं सीधा एक और फ्लोर है, एक और फ्लोर वो पता नहीं क्या क्या नहीं है, तो तुम लोग उस वीडियो में देखते रहो ना लास्ट तक। ओके तो टाइम आ गया सबसे लास्ट फ्लोर पे, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे चढ़ने का, तो हम लोग सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे चलते हैं। तो पहुंचते हम लोग सिस्टम रूम में पहुंच गए। जैसा मतलब ये सारा कुछ देख करके वही लग रहा है कि ये सिस्टम रूम हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े बॉक्स का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। ये सारे लाइट्स के लिए यूज में आते होंगे उस टाइम, पता नहीं मुझे, बट यस अभी मुझे इतना प्राउड वाला फील आ रहा है अंदर से कि सहरसा में उस टाइम भी सिनेमा हॉल थे, जब बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में लाइट्स नहीं थे। उस टाइम से सहरसा में सिनेमा हॉल था, और ये सहरसा का सिनेमा हॉल है, पहला सहरसा का सिनेमा हॉल है। अगर तुम लोग को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ये किसके नाम से है, अशोक सिनेमा हॉल के नाम से मशहूर था। बट यस आई डोंट नो कि सच्ची कहानी क्या है इसके बंद होने का, बट ये जो कंस्ट्रक्शन है ना सहरसा में, वो जो प्रशांत सिनेमा हॉल हो या फिर मीरा टॉक हो, उससे लाख गुना बहुत ही तगड़ा वाला है। क्योंकि मतलब एक फ्लोर, दो फ्लोर, तीन फ्लोर, और इतना अच्छा से स्मूथली सारा काम किया गया है ना, अनबिलीवेबल है ये। इसको बंद नहीं होना चाहिए था, बट जो बंद हो गया तो बंद हो गया। एंड लास्ट हम लोग ये आएंगे, एक तरफ ये भी एक गेट ही है, और इस गेट का पता नहीं क्या यूज है क्या नहीं है इसका यूज। यहाँ सीढ़ी टूटा हुआ, यहाँ से सीढ़ी टूटा हुआ है, इसका यूज है कि अगर बोरिंग फिल्म लगे तो यहाँ से यस इस गेट का बस यूज इतना ही है कि अगर फिल्म ज़्यादा बोर फील हो रहा है तो बस यहाँ से कूद करके जान दे दो भाई। ओके सो ये थर्ड था, और इसके ऊपर भी देख रहे हो मतलब कि ये जो है ना ये और ऊंचा शायद से होगा, हाँ वो इसका डिज़ाइन है। एंड ये हाल फिलहाल में बना हुआ मुझे लग रहा, पता नहीं क्यों बनाया गया, बट ये मुझे हाल फिलहाल में ही बना हुआ लग रहा है। कितने अभी तक आ रही है, एंड टाइम भी हो गया अफ्तार का, टाइम में बस 15 से 20 मिनट टाइम। तो तुम लोग देख रहे हो मैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ कर रहा हूँ सिर्फ तुम लोगों के लिए, ताकि तुम लोगों को अच्छा से अच्छा कॉन्टेंट मिल सके, तुम लोगों को यूनिक कॉन्टेंट मिल सके। एंड आई डोंट थिंक कि ये अशोक सिनेमा हॉल से रिलेटेड वीडियोज आई होंगी सहरसा में, बट यस तुम्हारे भाई ने जान का जोखिम लिया, उन तीनों सांपों का, हम लोगों को जो नहीं दिखा उसका जोखिम लिए, और अभी आए वो भी रोजा का टाइम में। मतलब रोजा रहते हुए भी मैं इतिहास वहाँ एक्सप्लोर कर रहा था तुम लोगों को अच्छा कंटेंट देने के लिए। बाकी लोग सब यहाँ पे देख रहे हैं, एंड हो सकता है कि वो किसी को बुला लें, पुलिस वगैरह का झोल नहीं चाहिए अपने को, क्योंकि मैंने सुना यहाँ पे बहुत गंदे काम होते हैं। तो हम लोग यहाँ से नीचे उतरेंगे, बट उससे पहले ये लास्ट बारी हम देख लेते हैं। ये भी टॉयलेट ऊपर से लेते हैं। तो इससे ऊंचा जगह नहीं है, इससे ऊंचा जगह नहीं है, वरना मैं उस ऊंचे जगह पे भी चढ़ जाता जो इससे भी ऊंचा हो। लेकिन यहाँ से सहरसा ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन इतना दूर का जो एरिया ना सब कुछ यहाँ से दिखाई दे रहा है, तो मैं कोशिश करता तुम लोगों को यहाँ से दिखाने का। ऑलराइट सो फाइनली हम लोग मतलब सबसे टॉप पे है, हम और साहिल अंकल। ये भी इसी खतरनाक जगह से आए, देख रहे भाई ये खतरनाक जगह, वहाँ से आए। ये मैं यही जगह से चढ़ गया था, ऐसे ऐसे करके यहाँ तक। तो मैं यहाँ से लोकेशन की बात कर रहा था, वो तुम लोगों को मैं अभी दिखा, वो आप लोगों को मैं अभी दिखाने वाला हूँ। एंड एक और बात कि मेरे मुंह से बहुत बारी तुम निकल जाता है वीडियोज़ में, सो उसके लिए सॉरी जिसको भी बुरा लगता हो, बट वो मेरा प्यार ही है। ऐसे फ्लो फ्लो में तुम निकल जाता है, लेकिन मेरा कोई इंटेंशन नहीं होता बड़े छोटे वाला, तो उसके लिए सॉरी अगर तुम लोगों को बुरा लगता हो। बट अभी मैं अभी यहाँ से सारा दिखाने वाला हूँ। बट ये अशोक सिनेमा हॉल सच में प्राउड फील कर रहा है मुझे सहरसा के निवासी होने का, बहुत ही ज़्यादा वाला प्राउड फील हो रहा है। सो यहाँ से देखो तुम लोग एक बार गोल गोल। तो यस ये नज़ारा है, यहाँ से टॉप से व्यू ये है, और वो मछली मार्केट का मस्जिद है, और वो पानी की टंकी तुम लोगों को दिखाई दे रही हो बीफ जस्ट सामने, ये जस्ट सामने वो पानी टंकी है। एंड ये व्यू देख रहे हो भाई, शाम का ये व्यू बहुत ही मस्त। सो आई थिंक कि हम लोगों ने पूरा वीडियो में सब कुछ कवर कर लिया। एंड हम लोगों को यहाँ से नीचे उतरने का टाइम हो रहा है, तो हम लोग वापस यहाँ से नीचे उतर जाएंगे। तो यहाँ से नीचे उतरने का टाइम हो गया। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगने से पहले तुम लोग ये देखो किस तरह वो स्ट्रगल करके वापस से यहाँ से जा रहे हैं, वापस से नीचे उतर रहे हैं। तो देख रहे हो भाई इतना मुश्किल होता है। एंड हम तो भाई यहाँ से सीधा कूदने वाले हैं, देखते हैं वो सही सलामत उतर पाते हैं या नहीं। एंड वो सही सलामत उतर गए ओके। सो टाइम है मेरे कूदने का, तो हम लोग यहाँ से सीधा कूद जाते हैं, इसी तरह मुंह के बल कूद जाते हैं। पहले मोबाइल ऑलराइट गाइस। सो फौजी अकबर का देखने के लिए तुम लोग रेडी हो जाओ। तो आई होप तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने सारे दोस्तों में शेयर करना, एंड उनको बताना कि अशोक सिनेमा हॉल का ब्लॉग अपलोड हो गया। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मतलब मुझे लग रहा है ये सिनेमा हॉल ये बंद हुआ, वो उसके लिए मुझे अंदर से बहुत गंदा वाला फील आ रहा। बट ये सहरसा के लिए ये बहुत ही अच्छा मोन्यूमेंट मैं बोलूँगा, मोन्यूमेंट मतलब बहुत अच्छा स्थल बोलूँगा, क्योंकि 1965 तक का बना हुआ और अभी तक है। सो हम लोग नीचे उतरते हैं। अगर तुम लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक दे देना जितने भी सहरसा वाले हो, और वो अपने सभी मेम्बर्स को दिखाना कि सहरसा में 2 हॉल्स, प्रशांत हॉल और मीरा टॉक के अलावा भी एक सिनेमा हॉल था जो अशोक सिनेमा हॉल से मशहूर था। और ये पक्का तुम्हारे दादाजी आकर के इस सिनेमा हॉल में विजिट किए होंगे। तो हम लोग मिलते बहुत ही जल्द नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय। सारा कुछ देख रहे हो भाई, मोडिफिक क्या वो सारा देखो, वो तुम लोगों को देखने को भी नहीं मिलेगा। वो मूर्तियाँ, छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई है, मतलब एक तरह से लग रहा है चिपकाई हुई है। और ये बहुत तगड़ा है ये वाला।